नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाभनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में राज्य में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है और अब इसी के तहत एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सरकार ने खेल अवस्थापना के विकास पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाने का फैसला लिया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में खेल और खिलाड़ियों के हितों के लिए हर संभव काम किए जा रहे हैं। अब इसी के तहत खेल अवस्थापना दिवस पर जो सब्सिडी पूर्व में दी जाती है उसे बढ़ाया जाएगा। अब खेल सुविधा के विकास पर पहाड़ में 70% जबकि मैदान में 50% सब्सिडी दी जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पीसी पर जानकारी दी कि पीएम मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर को बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। साथ ही सुरेश जोशी ने बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। वहीं 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर भी बीजेपी कई प्रदेशव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगी। आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव में जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाए जाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का महासंपर्क अभियान निरंतर जारी रहेगा। लोकसभा स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर तक सभी बैठकें जारी हैं। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और शीर्ष पदाधिकारी इन बैठकों में प्रतिभाग कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से बीजेपी ने तमाम कार्यक्रम तैयार किए। देश के कोने कोने में जो समाज से जुड़े हुए ऐसे कार्यक्रम हैं, वो सभी कार्यक्रम हम लोग करेंगे। उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जैसे रक्तदान शिविर पूरे देश में चलाए जाएंगे और मंडल स्तर तक उत्तराखंड में भी हम रक्तदान शिविर हम लोग चलाएंगे और इस देश की महान विभूति विश्वकर्मा जी के नाम पर भी हम लोगों के कार्यक्रम उसमें करेंगे। पहली बात तो मैं बताऊं कि इस प्रदेश का सौभाग्य है कि जहां देश पूरे देश के अंदर युवा शक्ति बहुत बड़ी तादाद पर काम कर रही है, तो हमारा सौभाग्य है कि हमारा मुख्यमंत्री भी युवा है और युवा मुख्यमंत्री का आज हम प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करने के 2 दिन बाद उनका जन्मदिन है, तो जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के बारे में सोचा है, ये अपने आप में एक उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा उदाहरण है कि जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं, हर पल हर क्षण कैसे उत्तराखंड की युवा शक्ति को रोजगार दिया जाए, कैसे युवा शक्ति को काम दिया जाए, उस काम पे वो लगे हैं। डेंगू को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा प्रदेश में आज डेंगू महामारी का रूप ले चुका है, लेकिन सरकार अभी भी मौत के सही आंकड़े नहीं बता रही है। नगर निगम, शहरी विकास विभाग फॉकिंग और सफाई के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रहा है। गरिमा दसोनी ने कहा है कि डेंगू को लेकर स्वयं अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, डेंगू के बढ़ते प्रकोप और खास करके देहरादून जिले में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए माननीय अध्यक्ष श्री करण महाराज जी के दिशा निर्देश पर देहरादून जिला कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि सर्वे कराया जाएगा और पूरे जिले देहरादून जिले में क्योंकि इसका प्रकोप सबसे ज्यादा है, तो हमने हर कोने से लोगों पर सर्वे करने का प्रयास किया। हमने परवादून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं की मदद से, डॉक्टर जसविंदर गोगी जी ने अपने कार्यकर्ताओं की मदद से पूरे शहर में कार्यकर्ताओं को इस सर्वे के लिए निकाला। मैं स्वयं दून चिकित्सालय कल दिन भर इस सर्वे को करती रही।
देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने रेखीय विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में निर्देश भी दिए। 30 सितंबर तक सभी ग्राम पंचायतों वार्ड के प्रत्येक घर से मिट्टी या चावल जुटाकर कलश में रखे जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को रोस्टर बनाकर कार्यक्रम आयोजित करने और कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने, स्थानीय परंपरा एवं लोक संस्कृति के तहत आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा के संबंध में हमको विस्तृत दिशा निर्देश ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त हो गए हैं। इसमें दिनांक 1 से लेकर के 30 सितंबर तक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों में और नगर निकायों में वार्ड स्तर पर जो है प्रत्येक घर से जो है मिट्टी या चावल को इकट्ठा करना है और वो कलश को कलश में इकट्ठा करके वो कलश जो है वो ब्लॉक मुख्यालय पे या नगरपालिका नगर निगम के मुख्यालय पे इकट्ठा किया जाएगा। वहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसमें हमारे जो वीरों का नमन कार्यक्रम भी किया जाएगा, जिसमें हमारे जो वीर हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजित किए जाएंगे उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा को शुरू हुए लगभग 5 महीने बीत गए हैं। इन 5 महीने में 40 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अचेंद्र अभय ने जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में चार धामों के कपाट खुल चुके थे और अभी तक करीब 40 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की है। पिछले सालों से ज्यादा तुलना करें तो इस बार मॉनसून सत्र में भी तीर्थयात्री और श्रद्धालु ज्यादा रहे हैं और जैसे अब मॉनसून का सत्र कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, उससे चारधाम में तीर्थयात्राओं की संख्या बढ़ने लगी है। वहीं इस बार का जो आंकड़ा है वो एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस साल काफी वर्षा हुई है लेकिन तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई भी कमी देखने को नहीं मिली। के जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस वर्ष गत वर्षों की तुलना में मानसून सत्र में जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा रहा है वो काफ़ी अधिक रहा है और जबकि इस वर्ष लगातार बारिश होती रही, वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती रही लेकिन जो श्रद्धालु तीर्थयात्री थे उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दी और जहाँ पर यात्रा मार्ग बाधित हो रहे थे प्रदेश सरकार के स्तर से यात्रियों के जो भी संभव वहाँ पर सहयोग हो सकता था वो निरंतर किए गए। सड़क जो भी अगर बाधित हो रही थी तो उनको जल्दी से जल्दी खोलने का भी प्रयास किया गया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के पटल पर संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा कैग की रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से लेकर 22 तक उत्तराखंड सरकार ने बिना विधानसभा की मंजूरी के 47,758 करोड़ का बजट खर्च कर दिया, जिसे विधानसभा से रेगुलराइज भी नहीं करवाया गया था। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड की सरकारों पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वार्षिक बजट से भी ज्यादा राज्य सरकारों ने खर्च कर दिया, जिसका उनके पास कोई हिसाब तक नहीं, जो कि एक बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। जो वर्तमान में सरकार है इसके कार्यकाल में वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 की जो ऑडिट रिपोर्ट सीएजी के माध्यम से पेश की गई, उस रिपोर्ट में राज्य के अलग अलग विभागों में कुल मिलाकर के जितने घोटाले एक वित्तीय वर्ष में हुए उसकी रकम का जोड़ है 18,341 करोड़ रुपए। ये राज्य का जो अनुपूरक बजट अभी विधानसभा के मानसून सत्र में पेश हुआ उससे 7,000 करोड़ ज्यादा है, तो इससे सीधा सीधा एक अर्थ निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार घोटालों में लिप्त है।
चमोली जिले के सिरो गांव के बच्चे सुबह सुबह स्कूल के लिए अपने घर से निकले थे तो रास्ते में लंगूर ने उन बच्चों पर हमला कर दिया और बच्चे इधर उधर भागने लगे। बच्चों में डर से अफरा तफरी मच गई। लंगूर के हमले से सिरो गांव के बच्चे 3 किलोमीटर पैदल चलकर अपने स्कूल पहुंचे, लेकिन इस गांव में सड़क सुविधा न होने से स्कूल के बच्चे रोज पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। बच्चों के अभिभावकों में भी अभी भी डर का साया बना हुआ है। तो स्कूल के बच्चों पर लंगूर ने हमला किया है और ऐसे में बच्चों में डर का माहौल है। बच्चों के साथ साथ बच्चों के अभिभावकों में भी डर का माहौल लगातार बना हुआ है। बता दें यहां पर बच्चों के लिए सड़क की सुविधा नहीं है और ऐसे में स्कूल जाने में बच्चों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। और हम सिरोंगांव से आए थे और लंगूर मिला रास्ते में, उसने हमें दौड़ाया, मेरे पैर पे भी चोट लगी, सर पे भी लगी और हाथ भी मुड़ गया। सिरों से हमारे सिरोंगांव में 2 समय आगे आई थी, उस समय से सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। हमारे बच्चों को स्कूल जाने में बहुत परेशानी हो रही है, रास्ते में बाघ और गोवाणी सब मिले हैं और ना वहाँ रोड है। हमने शासन प्रशासन को कितने रिक्वेस्ट की, कोई हमारी नहीं सुना। अभी कुछ दिन पहले मैं भी इनके साथ पीडब्ल्यूडी के एक्शन के पास गया था, डीएम कार्यालय हम लोग गए और हम लोगों ने ज्ञापन दिया रोड के लिए, लेकिन उसके बाद भी आज तक इनके रोड के लिए कोई भी सर्वे नहीं हो पा रही है। अधिकारी सोए हुए हैं, मुख्यालय के समीप का ये गांव है। लगभग जिले को बने 40 साल हो गए और जिले के सबसे समीप का ये गांव है, यहाँ पे अभी तक रोड नहीं है। गांव जा रहे थे, हमको रास्ते में लंगूर दौड़ाया हमको। गांव का नाम क्या है तुम्हारा? और कितने दूर पैदल जाते हो तुम? कितने दूर है तुम्हारा स्कूल? 3 किलोमीटर। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है। एसएसपी श्वेता चौबे ने जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग में लंबित मामलों की समीक्षा की, साथ ही अपराधियों के खिलाफ आक्रामक कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए और कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठी और भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए और कर्मचारियों के हित में चल रहे लघु कार्यों में विशेष रूचि लेते हुए 14 पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। तो 14 पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया है और ऐसे में आपको बताते हैं कि क्राइम मीटिंग में एसएसपी ने निर्देश दिए और कई पुलिसकर्मियों को इस दौरान सम्मानित किया गया, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई। तो करीब 14 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। क्राइम मीटिंग में एसएसपी ने निर्देश भी दिए कि जो अपराधी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आपको बता दें कि इस मीटिंग के दौरान करीब 14 पुलिसकर्मी ऐसे थे जिन्हें उनके कामों के लिए सम्मानित भी किया गया। प्रदेश भर में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार चिंतित नजर आ रही है और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार डेंगू पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य सचिव भी पूरी तरह से हर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बता दें कि कैलाश हॉस्पिटल पर आरोप लगाया गया था कि उनकी रिपोर्ट में प्लेटलेट्स की गलत जानकारी दी जा रही है, जब एक मरीज का टेस्ट एक साथ कैलाश हॉस्पिटल और उसके साथ ही सरकारी अस्पताल में कराया गया तो दोनों ही रिपोर्टों में काफी अंतर पाया गया, जिसके बाद सरकार ने कैलाश हॉस्पिटल को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कैलाश हॉस्पिटल से जुड़े पदाधिकारियों ने सरकारी नोटिस का जवाब दिया। कि जैसे मैंने आपको बताया कि देहरादून में सीनियर सिटीजन्स ने शहर को बचाया था, इवन जो रिटायर्ड ईसीएचएस अफसर्स थे उनकी कॉलोनी कहलाती थी। उसके अलावा यहाँ कोई रहता नहीं था, ना कोई पसंद करता था। मिलिट्री का एक बहुत बड़ा बेस है यहाँ पे, आईएमए है, इंडियन मेडिकल, फिर एक स्टूडेंट हब और एजुकेशन हब बनता चला गया। तो उसको देखते हुए हमने 2016 दिसंबर में इस अस्पताल का उद्घाटन किया था और ये देहरादून का इकलौता अस्पताल है जिसमें ना सिर्फ
जनरल इलाज के साथ सुपर स्पेशलिटी के अलावा आपका ऑनको कीमोथेरेपी और आपका रेडिएशन पेट स्कैन से लेकर सभी सुविधाएं इस अस्पताल में एक छत के नीचे उपलब्ध है। बीते दो दिनों से प्रदेश में हो रही बारिश के चलते मौसम विभाग में एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दो से तीन दिनों तक पूरे प्रदेश भर में बारिश रहने का अनुमान है। वहीं राजधानी देहरादून सहित मैदानी इलाकों में भी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि पूरे प्रदेश भर में आने वाले दो से तीन दिनों यानी 17 सितंबर तक मौसम बदला रहेगा। वहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में हो रहे मॉनसून की विदाई से पहले पूरे प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे कि आम जनमानस को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। सत्रह तारीख तक के लिए अगर बात करें तो जो एक्टिविटी वो रहेगी और उसमें अनेक जगहों तक मैं आप कह सकती हूँ कि हल्की से मध्यम बारिश अभी मिलेंगी तीन से चार दिन में, और एक दुक्का जो हैवी रेन है जैसे बागेश्वर है या इसी तरह देहरादून है और इधर नैनीताल देख लें तो इन डिस्ट्रिक्ट में एक दुक्का जगहों में हैवी रेन की इस दौरान संभावना रहेगी। और जो इंटेंस शावर वगैरह है वो थोड़े बहुत मिल ही रहे हैं तो इसलिए उसके लिए भी जो है येलो वार्निंग वो थोड़ा रखा गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, नियर नॉर्मल एक्टिविटी है ये जो मिलती है इस दौरान जो है, और 17 के बाद आप देखेंगे कि जो एक्टिविटी है थोड़ी तीन चार दिन के लिए वो कम हो जाएगी, उसमें आइसोलेटेड टाइप आप कह सकते हैं रहेगी, दूर निकलेगी है ना। और आगे भी जो ऐसा अभी जैसे अभी सितंबर में एक्टिविटी कम तो हो जाती है लेकिन ओवरऑल देखें अभी तक जो है जब मानसून है अभी सितंबर मंथ की अगर बात करें तो -21% आज की डेट में हमारा है, तो थोड़ा और नॉर्मल से कमी एक्टिविटी क्योंकि हमने देखा शुरू में 10 से 12 दिन ऐसे रहेगी जिसमें जो है एक्टिविटी बहुत लाइट टाइप की चली है, आइसोलेटेड टाइप चली है और ड्राई सा रहा था। वहीं उत्तर प्रदेश के खनन माफियाओं का बोलबाला अब उत्तराखंड में भी देखने को मिला है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले और वन विभाग की जमीन को खुटबुट करने वाले माफियाओं के खिलाफ वन विभाग ने अब मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश के चर्चित इनामी माफियाओं के खिलाफ अब उत्तराखंड वन विभाग कार्रवाई करने में जुटा है। बता दें कि खनन माफिया लगातार उत्तराखंड में घुसकर अपने अवैध कारोबार को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर नकेल कसने के लिए तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने टीमों का गठन किया। इसी कार्रवाई के तहत वन विभाग की टीम ने उत्तर प्रदेश के माफियाओं के दो वाहनों को सीज किया, जिस पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का कहना है कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए जो तराई पश्चिमी वन प्रभाग है यहाँ इसकी जो प्रमुख समस्याएं हैं वो अवैध खनन, अवैध कटान और ये इंक्रोचमेंट है, और इस बीच में हमारे द्वारा लगातार हमारी टीम के द्वारा सब लोगों के सहयोग से अवैध खनन के ऊपर बहुत बड़ी कई सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसमें कई जो ऐसे वाहनों को जब्त किया गया कि जो कि अवैध खनन में बहुत लंबे समय से लिप्त थे और बार बार कब्जे से बच जाते थे, उन पर भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इंक्रोचमेंट पर लगातार प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अवैध अतिक्रमण जितना भी है सभी को चिन्हित कर लिया गया है और उनको धीरे धीरे करके सबको हटाने की कार्रवाई चल रही है। तो वन विभाग ने टीम का गठन कर दिया, अब कार्रवाई में जुटी हुई है। वन अधिनियम के तहत अब इन माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी, खनन माफिया पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने
गुनियाल गांव स्थित निर्माणाधीन सैन्यधाम का निरीक्षण किया। वहीं सैन्यधाम के निर्माण कार्यों की धीमी गति पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का पारा चढ़ गया था, जहां उन्होंने इसे लेकर कड़ी नाराजगी जताई और अफसरों को दिन रात कार्य कराने के निर्देश दिए और कहा कि यदि तय सीमा दिसंबर तक पांचवें धाम का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो कार्यदायी संस्था के लापरवाह अफसरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज मैंने अपने डायरेक्टर के साथ संबंधित कार्यदायी संस्था बिजली अधिकारी को यहां पर बुलाया था, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको पूरा करने का सौभाग्य जिम्मेदारी मुझे मिली है और मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं, क्योंकि ये जनभावनाओं से जुड़ा हुआ ये काम यहां पर हो रहा है। जब अभी हमने अमर जवान ज्योति के नीचे चमोली के बधाण की राज राजेश्वरी भगवती मां नंदा देवी की उत्सव टोली नंदानगर के भेंटी गांव से विदा होकर सैरी बंगाली गांव में होते हुए थराली ब्लॉक के रुईसाण गांव पहुंची। वहां पर मां नंदा का बेसब्री से इंतजार करे ग्रामीणों ने पूजा अर्चना कर मन्नत मांगी। इसके बाद देर शाम मां नंदा को यहां के ग्रामीणों ने रात्रि प्रवास के बाद डोली को सोल डुंगरी गांव के लिए विदा किया। बुधवार रात्रि प्रवास के लिए डुंगरी गांव पहुंचने पर मां नंदा का ढोल दमाऊं शंखनाथ के साथ भव्य स्वागत किया गया। डुंगरी गांव में नंदा देवी को भेंट अर्पित करने गया था और से चलकर पल्ला उदान डुंगरी में पल्ला आगमन हुआ और आज यहां से ठीक खाने के लिए केरा में जाएगी और शाम रात्रि विश्राम के लिए थराली सोना गांव पहुंचेगी। उत्तराखंड शासन ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया। आपको बता दें कि प्रमेंद्र डोभाल हरिद्वार के नए एसएसपी होंगे। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह को हरिद्वार से हटाकर एसएसपी देहरादून का कार्यभार दिया गया है। आईपीएस रेखा यादव को एसपी ट्रैफिक से हटाकर चमोली की कमान सौंपी गई। खबर हरिद्वार से, जहां सनातन धर्म को लेकर कई राजनेताओं की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, जिसके बाद संत समाज काफी आक्रोश में नजर आ रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की आपातकालीन बैठक में संतों ने सर्वसम्मति से 3 प्रस्ताव पारित किए। दरअसल सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी, देवी देवताओं का अपमान और ग्रंथों में वर्णित बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने को लेकर अखाड़ा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। बैठक में 7 अखाड़ों के संत मौजूद रहे। उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतानंद महाराज का कहना है कि सनातन धर्म को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, इसके साथ ही देवी देवताओं का भी अपमान किया जा रहा है। आज सनातन धर्म को तरह तरह से अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। कई बार देवी देवताओं को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, कई बार वैदिक सनातन कि हमारे जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस राष्ट्र में चल रहा है। सनातन आदि है, सनातन अनंत है, सनातन अनादि है। स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों के द्वारा हमारे जो इष्ट देवता है, जो हमारे यहाँ पंच पूजा में आते हैं, उनका जो अपमानजनक चित्रण किया गया हनुमान जी महाराज का, तो उसके ऊपर प्रतिबंध के लिए उनके संप्रदाय के संतों का अखाड़ा परिषद और भारतीय संत समिति सरदर्शन साधु समाज के द्वारा बहिष्कार किया गया है। चमोली में थराली विकासखंड मुख्यालय के अटल आदर्श इंटर कॉलेज के मुख्य भवन के एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और बच्चे स्कूल के बाद अपने घरों को जा चुके थे। तभी करीब 2:15 पर स्कूल के मुख्य भवन के बरामदे के हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। वहीं घटना के बाद खंड शिक्षा अधिकारी मास्टर आदर्श और लोक निर्माण विभाग के अभियंता तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचे और भवन के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया।
कि जैसे विधिवत होता है छुट्टी का टाइम हो गया था तो बच्चे चले गए थे, बच्चे क्या पूरा स्टाफ ही चले गया था। आज ब्लॉक रैली भी थी वॉलीबॉल की यहाँ पे, और वो लोग भी लगभग 2 बजे से पहले पहुंच गए थे, चले गए थे कैंपस से, क्योंकि कंप्लीट हो गए थे सारे कंपटीशन। तो जैसे मैं तो पहुंच गया था, जैसे घर पहुंचा तो उसी समय मुझको कॉल आया 2 बजे यहाँ पे से है। इसमें विभिन्न पत्र जारी हो चुके समय समय पर कि जो भी ऐसे भवन हैं जो जर्जर हैं या जिसमें भी कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी खतरा हो सकता है, उस पर बार बार विभाग सूचना मांगता रहता है। वर्तमान में जितने भी ऐसे भवन हैं उनको आपदा में प्रस्तावित किया गया है, उनमें जो भी निर्माण कार्य किया जाना है या उसमें सुधार मरम्मत की जानी है उसके प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले देहरादून में दर्ज किए गए हैं। वहीं डेंगू के खिलाफ देहरादून जिला प्रशासन और नगर निगम ने 3 दिन का महाअभियान शुरू किया है, जिसमें प्रशासन की टीम जगह जगह पहुंचकर डेंगू के फैलने के कारणों का पता करेगी और उसकी रोकथाम के लिए कदम उठाएगी। देखिए, ऑन द स्पॉट डेंगू जो पूरे देहरादून में महामारी के रूप में फैला, उसके लिए हम शुरू से कहते आए हैं कि देहरादून का नगर निगम और देहरादून का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जिम्मेदार है। अब मैं ऑन द स्पॉट, क्योंकि आज से महाअभियान शुरू करने का ऐलान सरकार ने, शासन ने, जिला प्रशासन ने, नगर निगम ने किया है। हमारे सचिव साहब के साथ में भी बैठक हुई थी, आज भी बैठक हुई है, कल DM मैम ने भी एक एक्शन प्लान बनवाया है। तो हमने एक बृहद एक्शन प्लान बनाया है, जिससे कि हम अभी इसको 3 दिन का अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि हमारे जो है ग्राउंड लेवल पे टीमें बना के वार्ड वाइज हमने जो 5 केस से जहां ज़्यादा हैं उनको अभी लिया है अपने अर्बन। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं सतीत ने देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।